आप प्लीज उनको कहें कि उन्होंने आना है तो इधर ही आ जाए। अब तुम ऐसा करो ना, अपने ऑफिस में बात करके देखो, तुम्हें गाड़ी भी जल्दी देती थी ना, हो सकता है कि फ्लैट भी जल्दी दे दें। कोई फ्लैट व्लैट नहीं मिल रहा हमें, और गाड़ी भी वापस कर दिया मैंने। तुमने फिर से झगड़ा कर लिया वहां? मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। मिल जाएगी कोई और जॉब? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी तुम्हें कोई और जॉब। अपनी माँ की कब्र पे मुजाविर बन के बैठ जाना। अरे क्यों मेरा हार्ट अटैक करा रहे हो? कैसी बातें कर रही है, अल्लाह ना करे ऐसा। मामले सुलझने लगते हैं तो दिमाग घूम जाता है तुम्हारे भाई का। समझाओ इसे, मत ख्वार करे हमें, चैन से रहने दे। सुख से जीने की जो आस लगाई है उस आस को कायम रहने दे। उस आस को तो ना तोड़े, ये रहम करे हमारे हाल पर। क्यों कर रहा है ये ऐसे? नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा? आपको लगता है मैं बेरहम हूँ, जुल्म कर रहा हूँ मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मार कर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। ये जो लोगों के रवैये बदल गए हैं ना, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लोगों के रवैये बदले क्यों हैं, तो ये इज्जत नफ्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तुम। और किसी का रवैया बदले या ना बदले, लेकिन आप लोगों का रवैया बदलता जरूर देख रहा हूँ मैं। मेरी खुशी की तो कोई अहमियत है ही नहीं ना आप लोगों को। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम सजीला के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दे दिया। तुम घर में सुख चाहते हो, वो भी खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। बहन की शादी अच्छी तरह करने चाह रहे थे, उसका घर बसाना चाह रहे थे, वो भी अल्लाह ने कर दिया। अब आखिर किस खुशी की कमी रह गई है, किस खुशी की बात कर रहे हो? तो इन सब खुशियों को आपने मेरी जॉब से मशरूत क्यों करके रखा है? मैं बताती हूँ तुम्हें, मुझे और इस घर को तो तुम एक तरफ छोड़ दो शानी। सिर्फ सजीला को ये बताओ कि तुम जॉब छोड़े हो, फिर उसके बदलते तेवर देखना, तुम एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अजनबी करने में।